हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। टीओसी के वीडियो लेक्चर्स में हम देख रहे थे डीएफए के बारे में, और डीएफए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने अभी तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस प्रॉब्लम्स आप देख लीजिएगा। आज कुछ नया प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नया इस सेंस में है कि यहाँ पे एक कंडीशन मुझे नहीं देखनी, मुझे देखने हैं दो कंडीशंस। अभी तक हमने जो भी डीएफए देखे हैं वहां पे एटलीस्ट एक कंडीशन होती थी, उस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करता था एंड देन फाइनल स्टेट पे मैं पहुंचता था मेरे डीएफए में। बट यहाँ पे आपको एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकती है और वो दोनों भी कंडीशन मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है और ये काफी प्रॉब्लम्स इंटरेस्टिंग होते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे दो कंडीशंस का ख्याल यहाँ पे रखना पड़ता है। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। बट उसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको आपके मेल पे मिलेगा। आज का मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए ओवर द इनपुट अल्फाबेट्स ए एंड बी। ए एंड बी मेरा इनपुट अल्फाबेट्स है, दैट्स व्हाई जो भी स्ट्रिंग मेरी बनेगी वो ए और बी से ही बनेगी। एंड देन मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से है, स्टार्ट्स एंड एंड विथ सेम सिंबल। गाइज, आपको स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट भी सेम सिंबल, स्टार्ट एंड एंड सेम सिंबल से होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग को ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ए से ही खत्म होनी चाहिए, एंड बी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बी से ही आपको खत्म करनी है। दो कंडीशन है, स्टार्ट भी आपको देखना है, एंड्स भी आपको देखना है। आपको अभी तक के जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे तो आप लोगों ने देखा होगा डेड स्टेट का कंसेप्ट। तो डेड स्टेट का कंसेप्ट कब नहीं आता है, जब मैं एंड्स विद बोलता हूं या तो मैं स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग के बारे में बोलता हूं। तो गाइज, डेड स्टेट का कंसेप्ट जो है वो स्टार्टिंग में आता था। मैं अगर किसी स्ट्रिंग को स्टार्ट्स विद बोल रहा हूं तो एट दैट टाइम मैं डेड स्टेट का कंसेप्ट यूज करता था। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, स्टार्ट की तो कंडीशन है बट एज वेल एज एंड की भी कंडीशन दी है। तो दैट्स व्हाई डोंट गेट कंफ्यूज कि स्टार्ट की कंडीशन है तो डेड स्टेट आएगी, नहीं, यहाँ पे एंड की भी कंडीशन है, दैट्स व्हाई डेड स्टेट यहाँ पे नहीं आएगी। सो गाइज, ट्राई करते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले लैंग्वेज का सेट हम लिख लेते हैं कि लैंग्वेज में किस तरीके की स्ट्रिंग्स आएगी। अगर मैं बात करता हूं एल की, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग से आपको थिंकिंग करना है। देखिए, थिंकिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गेट। अगर आप सोच सकते हो तो आप लोग आंसर भी निकाल सकते हो। तो गाइस, एल की अगर मैं बात करता हूं, एल इज द स्ट्रिंग सेट जो कि स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में अवेलेबल है या लैंग्वेज में सेटिस्फाई करती है। सबसे छोटी स्ट्रिंग ए, अभी देखिए ए कैसे छोटी हो सकती है, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल बोला है। ये जो स्ट्रिंग है ये स्टार्ट ए से हो रही है एंड एंड भी ए से हो रहा है, दैट्स व्हाई गाइस सबसे छोटी स्ट्रिंग जो है वो ए ए है। आप ए ए बोल सकते होंगे, बट ए से स्टार्ट ए से एंड, यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे ए से स्टार्ट हो रहा है ए से एंड हो रहा है। दैट्स व्हाई अगर मैं छोटी स्ट्रिंग की बात करता हूं तो ए, सिंगल ए इज माय स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। देन अगेन दूसरी स्ट्रिंग बी भी हो सकती है, बी से स्टार्ट हो रहा है बी से खत्म हो रहा है, तो गाइस बी भी आ सकता है। नेक्स्ट इज ए ए, उसके बाद बी बी, देन ए बी ए, बी ए बी, देन ए बी बी ए, वॉट एवर, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो आपका बन सकता है जो कि स्टार्ट्स एंड एंड्स विद जो है वो सेम सिंबल है। आप लोगों को अभी सोचना है कि किस तरीके से इस डायग्राम को बनाया जाए। आप देखिए यहाँ पे दो जो स्ट्रिंग है वो मिनिमम लेंथ वाली है, तो दैट्स व्हाई जब भी आप डायग्राम बनाइएगा, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है उसके लिए आप सबसे पहले तो ट्राई कीजिए एंड देन उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं अपन बाकी बड़ी स्ट्रिंग्स के लिए। बट हाँ, मशीन का स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है एंड वो ही अगर आप बेस लेके चलते हो तो आपका जो डीएफए बनेगा वो मिनिमल बनेगा। ठीक है गाइज, अगर आप पहले ही बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हो तो आपका हो सके कि डीएफए जो है वो मिनिमल ना बने, बट हाँ अगर आप छोटे स्ट्रिंग से शुरू करते हो तो आपका जो डीएफए है वो मिनिमल बनेगा एंड मिनिमल डीएफए इज ऑलवेज यूनिक। आपको हमेशा एग्जाम में मिनिमल डीएफए ही बनाना है। आप मैक्सिमम स्टेट्स लेके डीएफए बनाओगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स आपको पूछी जाती है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो यूनिक रहेंगे इन मिनिमल डीएफए। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। Q0 में मेरी स्टार्टिंग स्टेट लेता हूं हमेशा की तरह। नाउ गाइस, आपको सिंगल ए भी एक्सेप्ट करना है, तो दैट्स व्हाई सिंगल ए के लिए आप फाइनल स्टेट बना लीजिएगा। दिस इज सिंगल ए,
मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, Q1 जो कि मेरी फाइनल स्टेट रहेगी सिंगल ए पे, ठीक है, सिंगल ए मुझे एक्सेप्ट करना है। गाइस सिंगल बी भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, दैट्स व्हाई एक नई स्टेट फाइनल बना लेता हूँ। देखिएगा फाइनल स्टेट बनाते वक्त आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा कि सिंगल फाइनल स्टेट से मेरा काम हो रहा होगा तो मल्टीपल फाइनल स्टेट मत बनाइए, बट हाँ सबसे पहले आप मल्टीपल फाइनल स्टेट से डायग्राम को बना सकते हो, देन आगे जाके उसको मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइजेशन की टेक्निक मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि किस तरीके से डायग्राम अगर आपने निकाल ली है और आप लोगों को चेक करना है कि वो मिनिमल है या नहीं, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा गाइस, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि जो डायग्राम मेरी बन रही है वो मिनिमल है या नहीं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने दो स्टेट्स बना ली है, एक सिंगल ए एक्सेप्ट कर रहा है, एक सिंगल बी एक्सेप्ट कर रहा है, Q1 एंड Q2 को मैंने फाइनल बना दिया है। मान लो ये तो हुआ मेरा लेस जो छोटे स्ट्रिंग है उसके लिए, बट डीएफए है, डीएफए में क्या होता है हर एक स्टेट से ए एंड बी का ट्रांजिशन निकालना कंपलसरी है, दैट्स व्हाई मैं Q1 एंड Q2 का ए एंड बी कहा जाएगा मैं देखूंगा। लाइक गाइस एक बार ए आने के बाद अगर मान लो और भी ए आ रहे हैं, एक बार ए आने के बाद और भी ए आने आ रहे हैं, इट मीन्स वो फाइनल में ही रहेगा, क्योंकि आप कितना भी ए ले लीजिए लाइक ए ए ए ए ये स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद ए ही रहने वाला है, मींस फाइनल स्टेट पे ही रहने वाला है। दैट्स व्हाई इसका जो ए का लूप है वो सेल्फ लगेगा यानी खुद पे ही जाने वाला है, दैट्स व्हाई ये फाइनल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। लाइक दैट एक बी आने के बाद आपके कितने भी नंबर ऑफ में बी आ सकते हैं, दैट्स व्हाई ये भी बी पे जो है फाइनल स्टेट को नहीं छोड़ेगा और ये यही पे मूव करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ का बी मैं यहाँ ले रहा हूँ। बट गाइज Q0 के बाद A आने के बाद Q1 पे अगर B आता है तो मुझे थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा। लाइक गाइज अगर A से शुरू हो रहा है तो A से ही खत्म होनी चाहिए, B से नहीं, बट हाँ A के बाद B आने के बाद A आएगा इसका मुझे गारंटी नहीं है, या तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट आ गया तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बी पे डेड स्टेट पे नहीं डाल सकता, क्योंकि ए के बाद बी आने के बाद ए आने की प्रोबेबिलिटी है, मींस पॉसिबिलिटी है, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे डेड स्टेट के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे सोचना है नए स्टेट्स के बारे में। लाइक अगर Q0 के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है, तो मैं एक नई स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे Q3 नाम की, यहाँ पे देखिए बी आने दीजिए, ठीक है। अगेन मान लो कि बी के बाद ए आता है तो मुझे फाइनल जाना है, नहीं आता है तो कुछ अलग स्टेट का डिसीजन लेना पड़ेगा। लाइक Q3 से अगर ए आता है तो अगेन मैं फाइनल पे जाऊंगा Q1 पे, और उसके बाद कितने भी ए आने दीजिए मैं फाइनल पे ही रहूंगा, बट हाँ अगेन बी आता है मैं अगेन नॉन फाइनल पे जाऊंगा, अगेन रिटर्न ए आता है तो मैं फाइनल पे जाऊंगा। गाइज ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है और इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। गाइज Q3 पे अगर मेरा A का इनपुट आउटपुट जो है वो निकल रहा है, बट B का मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए B आने के बाद कितने भी B आने, मुझे B से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज A से मेरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है तो मैं सिर्फ A को ही काउंट करूंगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे नंबर ऑफ B's आने पे भी मुझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मुझे सिंपली उसको स्कीप करना है, और जब भी मुझे कुछ कैरेक्टर्स को स्कीप करना है तो मैं सेल्फ लूप हमेशा लगाता हूँ। लाइक दैट ये मेरा बन चुका है डायग्राम ए के लिए। अगर स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है देन इन दैट केस ये जो डायग्राम है ये मेरी काम करेगी। लाइक ए से शुरू कीजिए, बाद में कितने भी ए आने दीजिए मैं फाइनल पे ही रहूंगा। बी आ रहा है तो मैं नॉन फाइनल पे जाऊंगा, फिर से ए आ रहा है मैं फाइनल पे आऊंगा, और ए पे अगर खत्म हो जा रही है तो मैं फाइनल पे ही रहूंगा। लाइक सेम लॉजिक मुझे यहाँ पे बी के लिए भी इंप्लीमेंट करना है। लाइक कितने भी बी आने के बाद कितने भी बी आ रहे हैं मैं फाइनल पे ही रहूंगा, बट मान लो ए आता है तो मुझे नॉन फाइनल जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल बोला गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ए आने पे मैं एक नई स्टेट जा रहा हूँ Q4, और Q4 पे कितने भी ए आने दीजिए मैं Q4 पे ही रहूंगा, ठीक है। बट इस Q4 के बाद अगर बी आता है तो मुझे फिर से एक्सेप्ट करना है उसको, तो यहां से मैं बी का लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि B से शुरू होके B से खत्म हो रहा है तो मैं फाइनल स्टेट पे रीच करूं। तो गाइज ये है होता है आप लोगों का मिनिमल DFA जो कि स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल के लिए मैं बना सकता हूं। आप इससे मिनिमल ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये आपका फाइनल डायग्राम हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट नंबर ऑफ स्टेट्स आर प्रेजेंट इन अ मिनिमल DFA, तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेट्स आर देयर
दैट्स व्हाई आप लोगों को जनरली गेट में जो है वो 5 स्टेट्स आपको लिखना है, बट हाँ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम निकाल के दिखना है. गाइस डोंट मिस द राइट मीन्स टू राइट दी टपल्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. यूनिवर्सिटी एग्जाम में मार्क्स जो डिपेंड करते हैं वो टपल्स राइटिंग पे लिखे रहते हैं. लाइक आपको स्टार्ट स्टेट लिखना है, आपको फाइनल स्टेट्स लिखना है, आपको इनिशियल स्टेट्स लिखने हैं, लाइक ट्रांजिशन लिखने हैं. मेरे ट्रांजिशन किस तरीके से लिखे जाते हैं आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए एंड उसके हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. गाइज ये तो था डबल कंडीशंस के बारे में जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है. मैं एक से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेने वाला हूँ. आगे वाले लेक्चर्स मेरे काफी इंपॉर्टेंट है.